लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पूरे देश दुनिया में एक बार फिर अयोध्या की चर्चा तेजी के साथ चल रही है। अयोध्या को लेकर तरह तरह के कमेंट लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर यहाँ तक लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में भाजपा के हारने के बाद राम मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी कमी आई है। कुछ ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब राम मंदिर का मुख्य द्वार भी सूना पड़ गया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि क्या सच में भाजपा के चुनाव हारने की वजह से राम मंदिर में भीड़ कम आने लगी है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अयोध्या में भाजपा के हारने के बाद पूरे देश में कई तरह की चर्चाएँ चल रही हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाजपा को हारने के बाद लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जब न्यूज 18 की टीम राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी से संपर्क की तो पदाधिकारियों का साफ कहना है कि गर्मी की वजह से थोड़ी भीड़ में कमी आई है। अयोध्या में प्रतिदिन 70 से 80 हजार राम भक्त दर्शन पूजन कर रहे हैं, हालांकि यह संख्या पिछले महीने के मुकाबले थोड़ी कम है। ये सब जो है अज्ञान लोगों का काम है जिनको कि अयोध्या का इतिहास नहीं मालूम, अयोध्या के बारे में जानकारी नहीं है और कभी अयोध्या आए भी ना होंगे, लेकिन तरह तरीके से सिर्फ हाईलाइट होने के लिए अपने आप को जो है सोशल मीडिया में अपना चेहरा दिखाने के लिए उल जरूर बातें बक रहे हैं। अयोध्या जैसी पहले थी वैसी आज भी है। अयोध्या में किसको हार हुई किसको जीत हुई, इससे दर्शन करने जो प्रभु के आ रहे हैं, अयोध्या में जो भक्त लोग आ रहे हैं, चाहे वो हनुमानगढ़ी आएँ चाहे वो सरयू माता का दर्शन करने आएँ राम जी का दर्शन करने आएँ, कहीं भी आएँ, उन पर चुनाव से क्या लेना देना। और पूरे देश से तब भी लोग आ रहे थे, आज भी आ रहे हैं, और ये ज़रूर है थोड़ी संख्या गर्मी की वजह से कम हुई है। मौसम इतना सख्त हो गया है कि यहाँ पर 8 बजे से ही मौसम इतना गर्म हो जाता है, तो इस गर्मी में भी श्रद्धालुओं की संख्या कभी कभी 1 लाख से ऊपर हो जा रही है। काफ़ी लोग बेचारे इस गर्मी में गस खा जाते हैं, उनका इलाज कर रहा है ट्रस्ट, अस्पताल खोल रखा है, दवाएं दे रहे हैं, ORS का घोल पिला रहे हैं श्रद्धालुओं को, तभी श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है और बहुत हो रही है। इसका श्रद्धालुओं की संख्या 60 हजार से लेकर के 1 लाख के बीच में कंटिन्यू चल रही है इतनी गर्मी के बावजूद।